हेलो स्टूडेंट, आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडक्शन वाटमीटर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा वाटमीटर क्या है, उनके कितने प्रकार देखा, टाइप्स ऑफ वाटमीटर। टाइप्स ऑफ वाटमीटर में हम लोगों ने क्या देखा, गैल्वेनोमीटर वाटमीटर, इंडक्शन वाटमीटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक वाटमीटर, राइट। तो उसमें हम लोगों ने मैंने बताया था पहला टाइप क्या है, गैल्वेनोमीटर वाटमीटर। आज दूसरा टाइप बताने जा रहे हैं इंडक्शन वाटमीटर। और यही दो वाटमीटर जो है हम लोगों का डे टू डे लाइफ में ज़्यादा प्रचलन में है, राइट। इसीलिए इसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे और यही दोनों को डिस्कस करेंगे आज। उस हिसाब से आज हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन वाटमीटर, राइट। तो उससे पहले हम लोग समझेंगे कि इंडक्शन वाटमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। आपको यहाँ पे फिगर बना के दिखा दिए हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसे संयोजित किए जाते हैं। यंत्र में दो विद्युत चुंबक होते हैं, क्या होता है, यंत्र में दो विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल द्वारा क्या किया जाता है, उत्तेजित किया जाता है। हम लोग इसमें दो विद्युत चुंबक यूज करते हैं और जिन्हें प्रेशर कॉइल तथा करंट कॉइल द्वारा हम लोग उत्तेजित करते हैं, राइट। और दोनों ध्रुवों के बीच में एक हम लोग एल्युमिनियम डिस्क यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम धातु से बने एक वृत्ताकार डिस्क यूज करते हैं, जिसको डिस्क हिंदी में चक्की बोलते हैं, चक्की, राइट। तो और ये जो डिस्क है ये ज्वेल बेयरिंग से आलंबित धुरे पर जड़ी होती है, मतलब कि ज्वेल बेयरिंग से डायरेक्टली ये कनेक्ट रहता है, राइट, दो ध्रुवों के बीच में, राइट। जो एक प्रेशर कॉइल से क्या होता है, एक्साइटेड होता है, और एक करंट कॉइल से एक्साइटेड होता है, राइट। और जो यह है स्पिंडल में है, ये क्या मतलब मेरा, एल्युमिनियम डिस्क जो होता है वो फिक्स रहता है, राइट। और इसमें धुरे के साथ ही एक संकेतक जुड़ा होता है, संकेतक क्या बोलते हैं, पॉइंटर। धुरे मतलब स्पिंडल के साथ क्या जुड़ा हुआ रहता है, एक पॉइंटर जोड़ा हुआ रहता है, जो मुझे जितना भी यहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे तो वो स्पिंडल के थ्रू ही मेरा पैमाना में, स्केल में वो दर्शाएगा, राइट। इसको हम लोग पूर्वांकित पैमाना बोलते हैं, राइट। और इसमें नियंत्रण टॉर्क पैदा करने के लिए हम लोग दो हेयर स्प्रिंग यूज़ करते हैं, हेयर स्प्रिंग को हम लोग बोलते हैं बाल कमानी, राइट। किस लिए यूज़ करते हैं, नियंत्रण टॉर्क पैदा करने के लिए, राइट। अब हम लोग देखेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसा वर्क करता है, उसको हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, इसका कंस्ट्रक्शन देखा, राइट। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल, ये क्या था, कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग देखेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है, इसका वर्किंग प्रोसीड्योर क्या है, वर्किंग प्रोसीड्योर, राइट। कार्य प्रणाली इसका किस तरह है, इसको हम लोग समझेंगे। ये बेसिकली जो होता है, ये सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के सिद्धांत में कार्य करता है, किसका सिद्धांत पर, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, राइट। इसमें करंट कॉइल में लोड विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये करंट कॉइल है इसमें लोड विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि प्रेशर कॉइल में क्या होता है, वोल्टेज के अनुपातिक, क्या चीज़, वोल्टेज के अनुपातिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कि वोल्टेज के अनुपातिक इसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, राइट। ये दोनों प्रकार के कुंडली द्वारा चुंबक के फ्लक्स कौन कट करता है, ये एल्युमिनियम
डिस्क कट करता है, और जैसे कट करेगा मुझसे में क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ एक ईडी करंट जनरेट हो जाता है, और इस जनरेट होने से क्या होगा मेरा, हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था डैम्पिंग टॉर्क, राइट। जैसे ही ये फ्लक्स कट करता है वैसे ही यहाँ पे एक डैम्पिंग टॉर्क क्रिएट हो जाता है। डैम्पिंग टॉर्क को हिंदी में बोलते हैं अवमंदक बल, राइट। ये क्या करता है अवमंदक बल, ये हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से प्रीवियस वीडियो में समझाया, फिर भी अभी हम बता देते हैं क्या होता है कि हम लोग मीटर में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क को समझ गए थे। क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या करता है, स्पिंडल पॉइंटर को मूव करने के लिए यूज़ करते हैं, और कंट्रोलिंग टॉर्क वो जो मूव हुआ उसको कंट्रोल करने के लिए, और डैम्पिंग टॉर्क यूज होता है इसलिए ये जब भी मूव होगा और कंट्रोल करेंगे तो मेरा जो पॉइंटर जो है वाइब्रेट करेगा, उस वाइब्रेट को क्या करता है स्मूदली बनाता है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया, राइट। इसके बाद इसका कुछ फीचर्स हैं इसको हम लोग समझेंगे, और ये विक्षेपक टॉर्क जो यहाँ डेवलप हुआ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको लिख सकते हैं वी इंटू आई होता है, राइट। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इंटू आई होता है। अब हम लोग देखेंगे इसका कुछ बेसिक फीचर्स है, इसको समझेंगे और जानेंगे। अब हम लोग देखेंगे कुछ फीचर्स हैं इंडक्शन वाट मीटर का, क्या फीचर्स है इसको हम लोग देखते हैं। ये केवल और केवल डीसी परिपथों के लिए उपयोग होता है। क्या है इसका फीचर्स है, केवल और केवल डीसी परिपथों के लिए उपयोग होता है, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल है इंडक्शन का प्रिंसिपल है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं बेसिकली ये डीसी के परिपथों में उपयोग किया जाता है। ये अवमंदक के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं होता है, डैम्पिंग टॉर्क को डेवलप करने के लिए अलग से इसमें कोई व्यवस्था नहीं होता। जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने, यहाँ पे क्या होता है कि दो ध्रुवों के बीच फ्लक्स कौन कट करता है, अल्मोनियम डिस्क। और जैसे ये अल्मोनियम डिस्क जो फ्लक्स को कट करता है तो वहाँ पे क्या होता है एक डैम्पिंग टॉर्क जनरेट हो जाता है, जिसका प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या बोलते हैं एडी धारा अवमंदक, राइट। वही टॉर्क यहाँ जनरेट होता है, इसी कारण इसलिए अलग से किसका कोई अवमंदक के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं होता है, राइट। अधिक वोल्टेज तथा अधिक धारा वाले परिपथों के लिए हम लोग बेसिकली क्या यूज करेंगे, सीटी एंड पीटी का उपयोग करते हैं, राइट। धारा वाले परिपथों के साथ हम लोग यूज करते हैं सीटी और पीटी, ये इसका क्या रहा बेसिक्स फीचर्स रहा, राइट।